महीना जब सावन का परजा खुशियां रही मनाए पड़े हिडोले अब घर घर में तिरिया मंगल रही सुनाए मन में सोचा पृथ्वीराज ने ऐसा वक्त मिलेगा ना अकेला ब्रह्मा है महबे में क्या अकेले की पार बसाए दिया जाता है दिल्ली गढ़ की फौजों को तैयार किया जाए गढ़ महोबा वीरान पड़ा है एक पल की भी देर न की जाए मेरे कलेजे के दाग को मिटाने के लिए ब्रह्मता की हत्या जरूरी है ब्रह्मता की हत्या और चंद्रबला की डोला अब हमारे निशाने पर है चंद्रबल का डोला हरण कर हम अपना पुराना बदला चुकाना चाहते हैं योद्धाओं कैद कर लो चंद्रबलों को सैनी पृथ्वीराज की पृथ्वीराज हुआ असवार जोड़ा ताहर दोनों सज गए तीरा जल्द हुआ तैयार कुछ बोल दिया है लश्कर का डंका दिया बम पर जाए यहाँ की बातों को यहाँ छोड़ो अब महबे का सुनो बयान अब महबे का सुनो बयान जाओ और जाके सारी सेना को तैयार होने की हुक्म दो जाओ और जाके सारे हाथी घोड़े को तैयार करो जाओ जाओ जितने योद्धा हैं उनको मेरे पास आने को बोलो शीघ्र राजी खुशी लिखी राजा को और आदाब दई लिखवाए दिल्ली वाला तुम पर आया जिसका नाम पिथौरा राय चारों तरफ से महुआ घेरा तोप मोर्चे दिए लगवाए लड़े फिरे में नहीं फायदा तुमको नफा मिलेगा ना गढ़ महुआ के राजा को दिल्ली गढ़ के राजा पृथ्वीराज का आदाब उम्मीद है कि आप अभी तक कुशल मंगल से होंगे क्योंकि आपका ये सत्यताज और रियासत संतों की मेहमान है हमने आपके महोबा की चारों तरफ से घेराबंदी कर दी है और अपने तोपों की मोर्चे लगा दिए हैं और आपकी भलाई इसी में है युद्ध का ख्याल दिमाग से निकालकर हमारी शर्तों को स्वीकार कर ले बोला राजा फिर ब्रह्मा से बेटा सुन लो कान लगाए महोबा घेर लिया पृथ्वी ने अब कुछ रहा ठिकाना ना शंकर वाला चूड़ा मांगे और जम्बे की लाल कमान काड़ा बिजुरिया उड़ने घोड़े हमसे मांग रहा चौहान हमसे मांग रहा चौहान छेरा पारस पथरी सबको पिरती रहा मगाए चंद्रावल का डोला मांगे अब क्या लेवे जतन कराए जितनी सुनकर नर ब्रह्मा के गुस्सा भरा बदन में जाए जितने गढ़ दिल्ली से आए सबका डालू खोज में जाए का दे मिटाए जब से मार दिया मलके को मन में
तो कोई नेता, हम और हमारी प्रजा गंभीर समस्या से घिर चुके हैं। पृथ्वीराज ने हमारे घर महोबा को चारों तरफ से घेर लिया। अब हमारे सामने उसकी शर्त मानने के अलावा कोई चारा नहीं। पृथ्वीराज ने शंकर बाला, चूहा और जम्बे की लाल कमान को सौंपने को कहा। इसके अलावा खारा बिजुलिया, उड़न घोड़े, उड़न बछेरा और पारस पत्थर भी मांग रहा है। ये सब तो हम उसे दे दे पुत्र, मगर उसकी एक और मांग है। हमारी पुत्री चंद्रावल का डोला, ये हम उसे कैसे दे दे, कैसे दे दे? एक क्षत्रिय के लिए इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? हमारे हाथ में है, कुछ करो पुत्र, कुछ करो। पिताश्री, अनेक की धोखे से हत्या करो, यह पृथ्वीराज का उग्र हो रहा है। अगर आप चिंता, आपका यह पुत्र दिल्ली से आज ही सारी फौजों का जीत से ही बचा देगा। जितने भी योद्धा दिल्ली से यहां आए हैं, उन सबको मैं नाश कर दूंगा। वहां हो गया, वहां हो गया। इस धरती पे उसके बराबरी का कोई योद्धा नहीं, मगर मैं उसे और उसकी फौज को दिल्ली तक खदेड़ खदेड़ कर नहीं मारा तो मेरा भी नाम ब्रह्मता नहीं। ब्रह्मा चंदेले पर आया, रंग महल में पहुंचा आए, आता देखा जब दोनों को रानी ने दिया पलंग बिछाए। राजा बैठा पलंग के ऊपर, ब्रह्मा बैठ कुरस पे जाए, हाथ जोड़ कर मलना बोली, कैसे महल में पहुंचे आए। इतनी सुनकर राजा बोला, रानी सुन लो कान लगाए, दिल्ली वाला चढ़ आया है, जिसका नाम पिथौरा राय। महोबा घेर लिया पृथ्वी ने, अब कुछ रहा ठिकाना नाय। शंकर चूड़ा पीली चादर, इंदर वाली रहा मगाय, इंदर वाली रहा मगाय। हमसे पिरती रहा मगाए, डोला मांगे चंद्रावल का, अब क्या लूं मैं जतन कराए। इतनी सुनकर रानी बोली, राजा सुन लो कान लगाए, आल्हा उदल को बुलवा लो, उन बिन काम बनेगा नाय। आल्हा उदल दोनों आवे, खटका कोई रहेगा ना। वीर सिंह इंदल आवेगा, दुश्मन का दे खोज मिटाए। इतनी सुनकर राजा बोला, रानी अकली गई बोराए, रानी अकल गई बोराए। इतनी सुनकर रानी बोली, राजा क्यों मन में घबराए, पृथ्वीराज को चिट्ठी लिख दो, खटका फिर तो हमें ना आए। मोहलत मांगो आठ दिना की, इतने पृथ्वी लड़ेगा ना आए। आप आ गए आज बड़ी जल्दी, परंतु बड़े चिंतित लग रहे हैं। पृथ्वीराज ने हमारे घर महोबे को चारों तरफ से घेर लिया है। परंतु बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं। पृथ्वी
आज ने हमारे गढ़ महोबे को चारों तरफ से घेर लिया है। अब हमारे पास उसकी शर्तें मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। पृथ्वीराज ने शंकर पाला, चूड़ा और जंबे की लाल कमान सौंपने को कहा है। इसके अलावा खाया बिजुलिया, उड़न घोड़े, उड़न बछेरा और पारस पत्थर भी मांगा है। विलंब न करें राजा, आप पत्र लिखकर उन्हें बुलाने का व्यवस्था करें। क्या तुम्हारी मति मारी गई है रानी? अब किसी भी घड़ी पृथ्वीराज की फौजें हमारे गढ़ महोबे में दाखिल हो सकती हैं और अब हमारे पास पत्र लिखने और उसे रिसगढ़ पहुंचाने का समय नहीं है। राजन, आप धीरज से काम लें। अरे राजा अगर अधीर हो जाएगा तो प्रजा को कौन समझाएगा? आप पृथ्वीराज को पत्र लिखकर 8 दिनों की मोहलत मांग लें। अरे ये 8 दिन हमारे आला उदय तक सूचना पहुंचाने के लिए काफी हैं। और फिर सूचना मिलते ही हमारे आला उदल महोबे के लिए रवानगी कर देंगे। और फिर पृथ्वीराज इतना स्वार्थी तो नहीं जो हमें 8 दिनों की मोहलत ना दे। फौरन आवे जो तुम खबर दे ओ पहुंचाए, कलम दबा दे लई मलना ने और कागज को लिया मंगा। चिट्ठी लिखने मलना बैठी निरंकार का ध्यान लगाए, सिद्ध श्री नारायण लिख दिया सबकी ईश्वर करे सहाय, सबकी ईश्वर करे सहाय। हमारी हाथ जोड़ कर अर्जी सुनो पिथौरा राय, तुम भारी राजा दिल्ली के, आपकी कोई बराबर नाय। मोहलत दे दो 8 दिना की, राजा सुन लो कान लगाए, नहीं लड़ाई हमरे बस की, राजा सुन लो कान लगाए। हुकुम आपका हो बे पहले भुजरिया ले उसराय, चिट्ठी बंद करी मलना ने ऊपर से दी मोहर लगाए। फिर समझाया हलकारे को पृथ्वीराज को देना जाए, चिट्ठी ले हलकारा चल दिया पृथ्वीराज ढिंग पहुंचा जाए, पृथ्वीराज ढिंग पहुंचा जाए। करी कॉर्न से चिट्ठी दीनी हाथ बढ़ाए, यहाँ की बातों को यहाँ छोड़ो चंद्रावल का सुनो। जीत गया है सारा और सलूनी पहुंची आए, सिरे बुजरिया मेरी सागर पर माता सुन लो कान लगाए। माता, आप मेरी बुजरिया सिराने की तैयारी कीजिए, मैं भी अपनी सखियों को सागर तल पर जाने का निमंत्रण देती हूँ। अब चाहे मेरी जान रहे या चली जाए, मैं बिना जाए नहीं रहूंगी। इतनी सुनकर रानी चल दी और राजा पर पहुंची जाए, तुम समझाओ चंद्रावल को माने बात हमारी ना। सागर ताल पर सिरे भुजरिया जहाँ पर पड़ा पिथौरा राय, पकड़ के ले जाए दिल्ली को मोहे पर नाक रहेगी नाय, मोहे पर नाक रहेगी नाय। चिट्ठी लिख दो तुम रिजगर को आल्हा उदल पहुंचे आए, पृथ्वीराज को मार गिरावे इसकी भुजरिया ते सिर आए। इतनी सुनकर राजा बोला रानी सुन लो कान लगाए, कौन से मुँह से चिट्ठी लिख दूं, कौन से मुँह से लूं बोलवाए। राजन, आप ही चंद्राबल को समझाइए,
अपनी जीत पर अड़ी हुई है। जहाँ पृथ्वीराज सागर तल पर अपनी फौजों के साथ मोर्चा लगाए हुए बैठा हुआ है, वह वहीं भुजरिया अपना सिराना चाहती है। ऐसी स्थिति में उसका वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। उसके वहां जाते ही पृथ्वीराज उसका हरण कर लेगा। अगर ऐसा अनर्थ हो गया तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। आप पत्र लिख करके आल्हा उदर तक पहुंचा दें, ताकि वे दोनों आकर पृथ्वीराज का नाश कर दें। कौन सा मुंह लेके उन्हें पत्र लिख दूं और किस मुंह से उन्हें बुलवाऊं? चंद्रावल उनकी प्रिय बहन है और आप उनकी बड़ी माता। अब आप दोनों ही उन्हें चिट्ठी लिख दें, मुझसे ये काम नहीं हो सकेगा। प्यारी बहना नरू दल की माता बड़ी उदय चंद्राज, तुम दोनों अब चिट्ठी लिख दो, मुझसे चिट्ठी लिखी न जाए। चंद्रावल ने सुनी ये बातें, पल की देर लगाई ना, कलम दबा दो और कागज लीना, निरंकार का ध्यान लगाए, निरंकार का ध्यान लगाए। से पृथ्वी आया और मोहबे को लिया घिराए, सागर ताल पे फौज पड़ी है, अब कुछ रहा ठिकाना ना। महलों में मेरी रखी भुजरिया, तुम बिन नहीं सिराई जाए। चिट्ठी पढ़कर चंद्रावल की, तुम मोहबे में पहुंचो जाए, अकेला ब्रह्मा लड़के मर जाए, उससे सिरे भुजरिया ना। बनी बिगड़ जाए बना फलों की, फिर मर जात बंधेगी ना। आगे चिट्ठी लिखी मलना ने, बैठा सुनो उदय चंद्राय, बैठा सुनो उदय चंद्राय। जाए मात पिता की, फिर कुछ रहे ठिकाना ना। वीर सिंह और विजय सिंह को एक बार तू दे दिखला, पोतों की सूरत में देखूं काया मेरी अमर हो जाए। वाला अंजल मुझे सुहाता ना। रानी मलना ने चिट्ठी लिख दी और ऊपर दी मोहर लगाए, पिंजरा उतार लिया तोते का, गले में चिट्ठी दी लटकाए, गले में चिट्ठी दी लटकाए। कहन लगी तोते से, हीरा मन सुन कान लगाए, चिट्ठी ले जाओ रिजगर को और उदल को देना जाए। तोता उड़ गया आसमान को, अंबर पंख दिए फैलाए, जाके पहुंचा है कनवज में, जहां दरबार करो जी राय। बैठा जाए उदल ने फिर चिट्ठी खोली, पल की देर लगाई ना। चिट्ठी बाजी नरूदल ने, गुस्सा भरा बदन में जाए, उदल गरजा दरबारों में और आल्हा से कहा सुनाए, और आल्हा से कहा सुनाए। अब कुछ काम देर का ना, महोबा घेर लिया पृथ्वी ने और चौबंदी ली करवाए, डोला ले जा चंद्रावल का, मुँह पर ना।
चंदेले का कोई ना जाने और कोई ब्रह्मा जाने ना है। सुन लो कान लगा मेरे जान महोबा लुट जाए या मर जाए चंदेला राय कर महोबे में ना जाऊंगा चाहे लाखों करो उपाय चाहो लाखों करो उपाय। मेरी जान तुम्हारा चंदेला जान बना फल राय इतनी बात सुनी आल्हा की उदल गरज गरज बतलाए चंदेला है पाप हमारा सबको पाला लाड़ लड़ाए है एहसान हमारे ऊपर भैया सुन लो कान लगाए। जंग का फन कुश्ती का चंदेले ने दिया सिखाए बहन धर्म की चंद्रावल है जो पृथ्वी डोला ले जाए कौन कहेगा चंदेले को कट जाए नाक बना फल राय कट जाए नाक बना फल राय। उदल की वीर सिंह बोला ललकार फिर आल्हा से गरज के बोला ताऊ सुन लो कान लगाए चलना हो तो चलो साथ में अपने लो हथियार लगाए नहीं अकेला जाऊं महबे को हरगिज अब मानूंगा नाय। सुनकर बात विजय सिंह बोला भैया सुनो वीर सिंहराज विजय सिंह भी साथ चलेगा मन में किस कारण घबराए नौलक दल को मैं देखूंगा कैसे डोला वह ले जाए देख देख दिल्ली तक मारू सबसे डालू मान घटाए सबके डालू मान घटाए। चाचा से चाचा क्यों मन में घबराए जैसे मारा चाचा मलखे को अब ब्रह्मा को देवे मार करो तैयारी अब चलने की पल की देर लगाओ ना चंद्रावल का डोला ले जाए फिर क्या धूल समेट हो जाए। उस पृथ्वीराज ने महोबे को चारों ओर से घेर लिया है उसकी नौबत आते आए महोबे का सर्वनाश करने को व्याकुल है। जो प्रयत्न कर लो हम मुहादार नहीं जाएंगे उन्हें यह लड़ाई स्वयं के दम पर लड़नी चाहिए चाहे उसमें चंदेल राय की जान ही क्यों न चली जाए या मुहादागढ़ उजड़ जाए मेरा वहां जाना असंभव है। मेरी बात ध्यान से सुनिए
अगर आपको महोबा चलना हो तो तत्काल अपने हथियार उठा लीजिए, वरना मैं अकेले ही महोबा चला जाऊंगा। ऐसी बात सुनकर मैं हरगिज रुकने वाला नहीं। भैया वीर सिंह, ये विजय सिंह भी आपके साथ चलेगा, आप तनिक भी ना घबराइए। 9 लाख सैनिकों को तो मैं अकेले देख लूंगा, तो छू भी ले तो मैं उसे दिल्ली तक दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। यह मन मान गई आगे और हृदय में गई समाए, सब लड़कों से ऐसा बोला, बेटा सुन लो कान लगा, गढ़ महोबे को जो तुम्हें चलना, भेस फकीरी लो बनवाए, धोती चिमटा खप्पर ले लो, अपना लो हथियार लगाए, अपने लो हथियार लगाए। बात सुनी आला की पल की देर लगाई ना, मली भभूति गोरे अंग में जो काया में गई समाए, झोली चिमटा खप्पर ले लिया, जोगी भेस लिया धरवाए, ज्ञान मुदड़िया को ओढ़ा है, दोहरे लिए हथियार लगाए। सज गया वीर सिंह और विजय सिंह राज, पांचों चल दिए है रिजगर से और कनवज में पहुंचे आज, लाखन के ढिंग आकर पहुंचे और उदल ने कहा सुनाए, गढ़ महोबे को हम जाते हैं, मलना माता रही बुलाए, मलना माता रही बुलाए। चंद्रावल की सिरे भुजरिया और वहाँ काम हमें है ना, गढ़ महोबे से प्रीति भागे और भुजरिया ते सिरवाए, रिजगर में हम फिर आवेंगे, खटका किसी बात का ना। जब यह बात सुनी लाखन की उदल सुनता कान लगाए, जाहिर नहीं महोबे करना, अब आ गए बना फलराज, अब आ गए बना फलराज। साथ में चलना जो तुम चाहो, भेस फकीरी लो बनवाए, चिमटा झोली खप्पर ले लो, पल की देर लगाओ ना, गड़कन बज से सारे चल दिए और महोबे में पहुंचे जाए, पृथ्वीराज की फौज देख कर गुस्सा भरा बदन में जाए। आला ने उसको समझाया, बेटा धीर धरो मन लाए, पृथ्वीराज के जहाँ पर डेरे सारे वहाँ पर पहुँचो जाए, शेर के माफिक सारे घुस गए, शंका करी काल की नाय, शंका करी काल की नाय। पहरेदार पृथ्वी पर पहुंचा, हाथ जोड़ कर कहा सुनाए, थक्कर आए हैं तंबू में, धूनी मांग रहे हैं आए। राजा बोला दरबानी से, उनको यहाँ पर देव पठा,
उठाए, हम देखेंगे कौन से फक्कर कैसे यहाँ पर पहुँचे आए। दरबानी बोला आ करके आपको राजा रहा बुलाए, जब यह बात सुनी फक्कर ने पृथ्वीराज पर पहुँचा जाए, पृथ्वीराज पर पहुँचा जाए। कौन देश से आना हो गया आगे, कौन देश को जाओ, इतनी सुनकर आल्हा बोला राजा सुन ले कान लगाए। हरिद्वार को हम जाते हैं, बद्रीनाथ को पहुँचे जाए। बहुत आपका दर्शन मिले पिथौरा राय, माल खजाना हम ना मांगे हमको धूनी तो बतलाए। पृथ्वीराज बोला जोगी से बाबा सुन लो कान लगाए, महोबे जाकर धूनी मांगो, धूनी मेरे बस की नाय, धूनी मेरे बस की नाय। बाबा आप लोग कहाँ से आ रहे हैं और आगे कहाँ तक जाना है? हम हरिद्वार से आ रहे हैं और बद्रीनाथ को जाना है। आपका बहुत नाम सुना था, आपके पास चले आए। हमें धन दौलत नहीं चाहिए, बस अपनी रमाने के लिए थोड़ी सी जगह, बस आपकी कृपा हो जाए। बाबा आप जो हमसे मांग रहे हैं वो मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि जो चीज अपनी ना हो उसे मैं कैसे दे सकता हूं। यह भूमि गढ़महोबा के राजा की है, आप उन्हीं से जाकर धूनी जमाने के लिए जगह मांग ले बाबा। जब यह बात सुनी पृथ्वी की महोबे कीली सूरत लगाए, आल्हा बोला सब जवानों से अब तुम सुन लो कान लगाए, ज्यादा नहीं बोलना वहां पर अपना खेत बुहारो जाए, वहां तुमको कोई ना पहचाने, अब आए हैं बना फल राय। ध्यान से मेरी बात सुनो, वहीं में जाने से पहले हम सभी को ये ध्यान में रखना होगा कि वहां ज्यादा बातें नहीं करना और ये खबर न लगे हम ही आला उधल है, ठीक है? चलो। जहाँ पर महल बना राजा का सारे वहाँ पर पहुँचे आए, सबने अलग जगाई मिलकर माता भिक्षा तो पहुँचाए। जब आवाज सुनी रानी ने फिर बादी से कहा सुनाए, भिक्षा दे दो तुम जोगी को मेरे गए द्वारे आए, मेरे गए द्वारे आए। भिक्षा लेकर बांधी चल दी पलकी देर लगाई नाय, सूरत देखी जब बांधी ने मन में सोच सोच रह जाए, बोली बांधी हाथ जोड़ कर बाबा भिक्षा ले लो आए, गुस्सा होगी रानी मुझ पर यह पर देर अगर लग जाए। सुनकर आल्हा बोला रानी से तुम कहो सुनाए, भूख जोर से हमें लगी है हमको भोजन तो करवाए। बांदी आई रानी धोरे और रानी से कहा सुनाए, भोजन करना वही चाहते उनसे।
बात हम तुमसे कहते, ये फौजें क्यों पहुंची आज, चारों तरफ से मोहबे घेरा, कौन सा राजा पहुंचा आए, कौन सा राजा पहुंचा आए। बात सुनी मलना ने, आंसू गए आंख में आए, मलना बोली रोती रोती, बाबा सुन लो कान लगाए, महोबा घेर लिया फिरती ने, 9 लाख दल को गया सजाए, अकेला ब्रह्मा है महोबे में, क्या अकेले की पार बसाए। मलके को मन बड़ हुआ पिथौरा राय, आल्हा उदल ना महोबे में, वह कनवज में पहुंचे जाए, हल्की पीठ देख ब्रह्मा की, प्रीति लाया फौज सजाए, बनी बिगड़ गई है महोबे की, अब कुछ रहा ठिकाना नाय, अब कुछ रहा ठिकाना नाय। राजा खोले कैद कराए, चंद्रावल की धरी भुजरिया, इनको कैसे दिया सिरवाए, आल्हा उदल को बुलवाया, जो वहां यहां पर पहुंचे आए। चंद्रावल की सिरे भुजरिया, पृथ्वी सिर ने देगा नाय, आल्हा उदल जो नहीं आए, यहाँ पर खैर रहेगी ना। इस पर जवाब दिया आल्हा ने, माता क्यों मन में घबराए, जब लो भुजरिया नहीं सिरेगी, हम भी यहाँ से जाए नाय, हम भी यहाँ से जाए नाय। चौहानों की ढूंढा खोज मिलेगा ना, सिरे भुजरिया चंद्रावल की, दहशत किसी बात की ना, नर ब्रह्मा को बेशक भेजो, माता क्यों मन में घबराए। खूनी भोजन ताल के ऊपर तुम हम देना भिजवाए, जो डोले को हाथ लगावे उसको जिंदा छोड़े ना। इतनी सुन कर के मलना ने सबको भोजन दिया पठाए, धूनी लेकर चले यहाँ से, ताल के ऊपर पहुँचे जाए, ताल के ऊपर पहुँचे जाए। प्रणाम मुनिवर, आप लोग कहाँ से आए हैं और कहाँ को जाना है आप लोग को? हम बद्रीनाथ से आए हैं और हरिद्वार को जाना है। माता, ये कौन सी सेना ने आपके महल को चारों तरफ से घेर रखा है? कौन सा राजा आपके ऊपर चढ़ाई करना चाहता है? हम आपसे क्या बताएं बाबा, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं बाबा। हमारे नौगढ़ राज्य को पृथ्वीराज ने चारों तरफ से घेर रखा है, उसकी नौलखा सेना इस ओर से सारा सागर तल कूद रहा है। मेरा ब्रह्मता अकेला पड़ गया है बाबा, अरे उस अकेले की क्या दिशा है। जब से मलके की हत्या हुई है, पृथ्वीराज का मन और भी बढ़ गया है। हमारे आला उदल के न होने से उसका जोश दूना हो गया है। हमारे ब्रह्मता की हल्की पीठ देखकर उस
उसने सेना की चढ़ाई कर दी है बाबा। अगर हमारे आला उदल यहाँ नहीं आते तो वह चंद्रावल का डोला ले जाएगा और समता को मार डालेगा, हमारे माँ बागड़ को लूट लेगा बाबा और राजा को कैद कर लेगा। हाय मेरे आला उदल, अरे तुम्हारे ना होने से तुम्हारे चंद्रावल की बुजुर्गिया कौन फिराएगा और पृथ्वी राजा से कभी नहीं होने देगा। माता आप तनिक भी मत घबराएं, जब तक चंद्रावल की बुजुर्गिया नहीं फिराती हम जोगी यहीं रहेंगे और इस बीच अगर उस दुष्ट पृथ्वी राज ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो हम उसकी बेटियों की थाह लगने नहीं देंगे, हम उसकी गोबर करेंगे जिसकी उसने कभी कल्पना भी न की होगी। और माता तब तक आला उदल आ गए तो हम आगे के सफर पे चल पड़ेंगे। अब बेशक ब्रह्मता को चंद्रावल के साथ पूजा करने भेजिए, हमारे रहते उस पर कोई हाथ नहीं आ सकती, बस हमारे लिए